हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक्स है 10th हैजार्ड ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन करते टाइम में जो मेन हैजार्ड है उसका बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक्स, हैजार्ड ऑफ एक्सेप्शन। जब एक्सेप्शन होता है उस टाइम में आपको केविन दिखा जाता है, सॉइल कोलैप्स होने का चांस रहता है। अगर इन एडिक्वेट सपोर्ट नहीं रहता है तो सॉइल होने कोलैप्स होने का चांस रहता है। सेकेंड पॉइंट है फॉल ऑफ मेटियर्स, मेटियर्स गिरने का चांस रहता है, व्हीकल गिरने का चांस रहता है। अगर वहां पे प्रॉपर बेरियर नहीं है, वार्निंग साइन नहीं है, इल्यूमिनेशन नहीं है, तो ये हैजार्ड्स होता है। थर्ड पॉइंट है वाटर सीपेज, अगर वाटर सीपेज होता है तो सॉइल का जो स्ट्रेंथ वो कम हो जाता है, तो उसमें साइड का जो सॉइल है वो गिरने का चांस रहता है। फोर्थ हैजार्ड है द डेंजर एसोसिएटेड विद एक्सेप्शन मशीनरी। जो एक्सेप्शन मशीनरी होता है वो मूवमेंट करता है, उसका बूम मूवमेंट होता है, उसका नियर अबाउट अगर कोई मैन आ गया तो कुछ वहां पे हैजर्ड होने का, मतलब कुछ एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, तो वो एक खतरा है। फिफ्थ पॉइंट द प्रॉक्सिमिटी एडजेसेंट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर एंड देयर स्टेबिलिटी। अगर कोई भी बिल्डिंग का बगल में कोई भी एक्सेप्शन हो रहा है तो वो बिल्डिंग का स्टेबिलिटी कम हो जाता है, बिल्डिंग का गिरने का चांस रहता है। सिक्स पॉइंट कॉन्टैक्ट विद अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, अगर कोई एक्सेप्शन हो रहा है तो अंडरग्राउंड में केबल लाइन रहता है, यूटिलिटी जैसे पाइपलाइन, ऑयल गैस लाइन रहता है, तो वो अगर ब्लास्ट होता है, हीट होता है, वहां पे जाके बूम जो एक्सेवेटर का बूम हीट करता है तो इलेक्ट्रोकेशन होने का चांस रहता है। सेवन पॉइंट लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेप्शन का जो अंदर वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है और बहुत सारा हैजर सब्सटेंस रहता है, टॉक्सिक फ्यूम रहता है, फ्लेमेबल गैसेज रहता है। एट पॉइंट एस्पेक्सिया ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एक्सेप्शन का अंदर वहां पे एस्पेक्सिया होने का चांस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2S और मीथेन गैस का एबिलिटी रह सकता है, तो वहां वो एक खतरा होने का चांस है। नाइन पॉइंट कॉन्टैक्ट विथ ओवरहेड लाइन्स, अगर जहां पे एक्सेवेटर एक्सेवेट कर रहा है तो वहां पे साइड पे अगर कोई भी ओवरहेड सप्लाई है तो ओवरहेड पावर सप्लाई में टच होने का चांस रहता है, तो वो एक इलेक्ट्रिकल हैजर्स है। टेन पॉइंट स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड, अगर वर्कर्स प्रॉपर एक्सेस इग्रेस नहीं है तो वो वहां पे वर्कर मूवमेंट होता है तो गिरने का चांस रहता है, और ट्रिप होने का, स्लिप होने का चांस रहता है। तो फ्रेंड्स, ये है 10th मेजर हैजर्ड्स। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज एक बार यहाँ पे लाइक कर दीजिए।